यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही तगड़ा मौसम किया हुआ है और काफी ज्यादा गर्मी है। बाप नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ और दुआ करता हूँ आप लोग भी मस्त होंगे। तो अभी मैं हूँ झाझा स्टेशन में, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये पीछे स्टेशन। तो हम लोग क्यों आए स्टेशन, ऐसे तो आप लोग को टाइटल थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा, लेकिन बता भी देता हूँ मैं जा रहा हूँ कोलकाता और कितने दिन के लिए जा रहा हूँ ये तो आप लोग को पता नहीं होगा, बट ये आप लोग को ब्लॉक में पता चल जाएगा। और क्यों जा रहा हूँ, बस आप लोग ब्लॉक में बने रहिए कंटिन्यू और आप लोग को बहुत ही एंटरटेनमेंट मिलने वाला है इस ब्लॉक में। तो ब्लॉक को लास्ट तक देखिए, वो थोड़ा झाझा का व्यू दिखाते हैं आप लोग को। व्यू तगड़ा वाला किया है, देख रहे काफ़ी ज़्यादा धूप है अभी। तो चलिए, हमारा ट्रेन भी आ चुका है, जनशताब्दी ट्रेन से जाने वाले हम लोग। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन आएगी, आ भी चुके, दिखाई दे रहा होगा वो बुलू बुला। तो फाइनली गाइज, हम लोग अभी ट्रेन पे बैठ चुके हैं सीट पे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा किस तरह से बैठे हैं। लेकिन हम लोग को यही था कि हम लोग का पहले मतलब टिकट बुक था, तो मतलब चेयर कार यहाँ पे रहा, मतलब स्टैंड पे चेयर कार जैसा बैठने का रहता है। तो पता नहीं ये बोगी मतलब अलग टाइप का है, देख सकते हैं वो चेयर कार टाइप का बना हुआ था, ये अलग टाइप का है देख सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी भीड़ है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बैक कैमरा से ये कितना काफ़ी भीड़ है। तो चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा अच्छा से व्यू दिखाते चलेंगे। तो आप लोग ब्लॉक में बने रहिए कंटिन्यू। ये देखिए कितना भीड़ है, नीचे भी पूरा खड़े लोग हैं और ऊपर में भी पूरा मतलब पूरा ट्रेन फुल है एकदम। कितना मुश्किल से बैठे हैं, हमारा सीट पहले से रिजर्व था इसलिए। जर्सी रुके है ट्रेन, देख सकते हैं स्टेशन पे, और यहाँ पे काफ़ी मतलब काफ़ी लोग मतलब उतरे हैं, काफ़ी अभी सीट भी खाली हो चुका है देख सकते हैं। तो अभी मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि हम माइक लेना ही भूल गए घर में ही, तो अभी बैग में पूरा ढूंढ रहे थे, माइक मिल ही नहीं रहा। तो फाइनली तो किसी से इसी से काम चलाना पड़ेगा हेडफोन से। तो चलिए ब्लॉक में बने रहिए कंटिन्यू, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोग को। इधर बाहर में देखिए बारिश होना शुरू हो गया, पूरा एकदम बारिश हो रही है और बिहार में थोड़ा भी बारिश नहीं हो रही कब से, किसान लोग कितना बिहार में परेशान हो गए हैं बारिश के वजह से, मतलब बारिश नहीं हो रहा है तो खेती होगा किसान लोग का कैसे। और इधर बंगाल में देखिए कितना बारिश हो रहा है, और बारिश छूट गया हम लोग को उतरने से पहले, क्योंकि हम लोग को रूम भी ढूंढना है, तो देखते हैं कब तक बारिश। फाइनली गाइस बारिश ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं मौसम फिर किस टाइप का दिया, पूरा मस्त वाला मौसम चल रहा है। तो फाइनली गाइस हावड़ा आ चुके हैं, आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा पीछे ये हावड़ा स्टेशन जो दिखाई दे रहा। और आप लोग हम वीडियो मतलब स्टेशन का इसलिए नहीं कर पाए थे, एक बार हुआ था वीडियो कर रहे थे तो लेडीज फिर हाथ से छीन ली थी, इसलिए स्टेशन वाला कर नहीं पाया। लेकिन आप लोग को आप बाहर का सीन दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ही तगड़ा सीन किया हुआ है और बादल देख रहे हैं आप लोग को पहले दिखाई नहीं। यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही तगड़ा मौसम किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, वाह धूप देख रहे हैं, वाह इतना काफ़ी धूप है, हालत ख़राब किया हुआ। अभी पैदल जा रहे हैं होटल खोजने, कोई सस्ता सा होटल मिल जाए जो 5 दिन रह सकते हैं। और अभी मतलब ब्रिज क्रॉस करने के बाद तो बड़ा बाजार है, तो वहीं पे देखते हैं कोई सस्ता होटल मिल जाए रहने के लिए, और आप लोग को थोड़ा हावड़ा ब्रिज का व्यू दिखाते हैं। ये हावड़ा ब्रिज देखिए, और इधर ये गुगली रिवर, थोड़ा सामने जाके आप लोग को दिखाते हैं। Thank you.
बहुत से तगड़ा वाला, लेकिन अभी खाएंगे नहीं, पहले रूम मिल जाए तो आराम से खाएंगे। और गर्मी देख रहे, इतना पसीना चल रहा, पूरा भींग चुके हैं, पूरा चेहरा भी एकदम किस टाइप हो चुका है। और गाय जा भी का सीन ऐसा है कि देखिए फिर से बारिश इधर कोलकाता में शुरू हो गया, तो अभी तक रूम मिला नहीं है। दिन के अभी 3:30 बजे, लगभग 2 घंटा पैदल चल चुके हैं, लेकिन अभी तक रूम नहीं मिला है। तो देखते हैं कब तक रूम मिलेगा, आप लोगों को ब्लॉग में सारा कुछ पता चल जाएगा। तो गए अभी अभी लगभग रात के 8 बज रहे हैं और ब्लॉग लेट से शूट हो रहा है, क्योंकि हम आए थे पूरा थक गए थे, सो गए थे, मतलब उतरे थे 1 बजे लगभग, और 4-5 घंटा पैदल चलना पड़ा। लगभग 5 बजे जाके रूम मिला है होटल। अब होटल तो बहुत मिल जाता है, बट लेकिन हम सस्ता वाला रूम खोज रहे थे, तो बहुत ही मेहनत करने का वाला एक तो ये वाला रूम मिला है, और मतलब एक दिन का 500 रुपया ले रहा है, और कितना मेहनत से भी मिला है तो आप लोगों को बताता हूँ। मतलब और यहाँ हाथ है यार कि मतलब किसी से एड्रेस भी पूछो या कि अगल बगल में भैया अगल बगल में होटल है रहने के लिए सस्ता, कोई नहीं, मतलब गलत ही एड्रेस सारे लोग बता रहे हैं। और एक तो यहाँ की बारिश भी इतना हो रहा है, बारिश भी बहुत ही तगड़ा वाला हो रहा था, और इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ। ऐसे सारा कुछ आप लोग को इस ब्लॉग में दिखाते, बट इतना बारिश ही हो रहा था, ब्लॉग में आप लोग को दिखा नहीं पाया, बट कुछ नहीं, आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो अभी सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, पूरा भूखे है, अभी सो के उठे थे और जाके नहाए, देख सकते हैं नहाए, तो अभी जाएंगे बाहर में चाय वाय पियेंगे और थोड़ा कुछ खाना लेके आएंगे रात वाला, और रात को देखो बाहर नहीं, इतना थक चुके, इतना मतलब पैदल ही चलना पड़ा 4-5 घंटा। तो हम आए हैं सिर्फ ब्लॉगिंग ही करने के लिए, हम ब्लॉगिंग करने के लिए यार ठीक, मतलब चलो ट्रैवल भी कर लेते हैं और ब्लॉगिंग किया जाए, लेकिन यार रूम मतलब अभी आप मिडिल क्लास से हो तो एक तो रूम खोजने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप लोग को या आपको क्योंकि सस्ता रूम वाला चाहिए होता मिलेगा, बट ढूंढना पड़ता है वो। तो फाइनली मिल चुका है, सब अभी जाके पहले जाते हैं चाय पे पिएंगे, उसके बाद तो अभी नहा के आए थे तो सोचे ब्लॉग को एंड किया जाए, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। तो यार स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना मुश्किल से, इतना प्रॉब्लम से मतलब ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप लोग को सपोर्ट तो करना बनता है। और आप लोग को वादा किए थे, आप लोग पिछला ब्लॉग देखे होंगे, तब या पिछला ब्लॉग देखे होंगे, उसमें हम बोले थे कि बस आप लोग के लिए 1 सप्ताह के बाद ट्रेवल ब्लॉग आएगा, तो आप लोग का वादा पूरा करने के लिए हम घर से निकल गए। तो चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को प्यार देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए यदि अच्छा लगा तो। और कोलकाता दादा से कोलकाता मेरे साथ सफ़र करने में कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग अपना भी ख्याल रखिए और अपना फैमिली को भी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लव यू।